नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुभाष परियार और आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल सुभाष साइंस गाइड में, जहाँ पर आपको मिलते हैं साइंस रिलेटेड वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिश्रणों के बारे में। मिक्सचर, मिश्रण होते क्या है? उससे पहले अगर किसी की भी फ़ोन की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी अगर सही नहीं है, तो ऊपर आप पहले वीडियो की क्वालिटी को सही करें, उसके बाद सारे चित्र आप सारे लिखे हुए अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। मिश्रण को समझने से पहले कुछ चीज़ों को समझना ज़रूरी है, और उनमें से है पहला परमाणु, परमाणु क्या है। दूसरा अणु, अणु क्या है। तीसरा तत्व। चौथा यौगिक। और लास्ट मिश्रण। जिस प्रकार से इसकी श्रृंखला बनाई है, उसी प्रकार से इनकी परिभाषाएं याद करनी है। सबसे पहले अगर हमने इसकी परिभाषा, परमाणु की परिभाषा याद कर ली, तो बाकी सारी परिभाषाएं हमें अपने आप स्वतः ही याद हो जाएंगी, और इसको बिल्कुल सीधे सरल तरीके के अंदर देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं पहले परमाणु की परिभाषा से। परमाणु होता क्या है? परमाणु को अगर हम सीधे और सरल शब्दों में बोलें, तो पदार्थ का कोई अविभाजित कण, पदार्थ का वह कण जिसे हम आगे बांट नहीं सकते, जो कि हमारे मैसी कणाद और जॉन डाल्टन के सिद्धांत में बताया गया कि परमाणु क्या होता है, कि यह एक अविभाजित भाग होता है जो जिसे हम आगे बांट नहीं सकते, वो क्या हो गया? परमाणु। ठीक है, तो ये तो थी परमाणु की परिभाषा। उसके बाद आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, सीधी सीधी बातें चलेंगी। देखो, परमाणु और परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। परमाणु और परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं, उसी को हम लोग अणु बोलते हैं। फिर अणु और अणु मिलकर तत्व का निर्माण करते हैं। तत्व क्या होता है? दो या दो से अधिक अणु मिलकर जिसका निर्माण करते हैं वो क्या हो गया? तत्व। दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर जिसका निर्माण करते हैं वो क्या हो गए? अणु हो गए। और दो या दो से अधिक अणु मिलकर जिसका निर्माण करते हैं वो क्या हो गए? तत्व। ये तो थी नॉर्मल सी परिभाषाओं में, ठीक है। तत्व क्या हो गए? सॉरी, यौगिक क्या हो गए? दो या दो से अधिक यौगिक मिलकर जिसका निर्माण करते हैं वो क्या हो गए? यौगिक। और अब मैं बात करूँ यौगिक की, सॉरी मिश्रण की, तो दो या दो से अधिक यौगिक मिलकर जिनका निर्माण करते हैं वो क्या हो गए? मिश्रण। अगर हम मिश्रण को सीधे और सरल तरीकों में देखें, तो दो या दो से अधिक यौगिक मिलकर या यौगिकों के साथ तत्व मिलकर, यौगिकों के साथ तत्व मिलकर निर्माण कर देते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्रण बोलते हैं। ठीक है, यह था मिश्रण के बारे में छोटी सी बात है। यौगिक, और अगर दूसरे शब्दों में बोला जाए, तो यौगिक के साथ यदि तत्व हो जाए तो भी हम उसको क्या बोल सकते हैं? मिश्रण। ठीक है, और अगर इसमें और अधिक बात की जाए मिश्रण के बारे में, तो मिश्रण को हम लोग दो प्रकार के मिश्रण होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला मिश्रण होता है समांगी मिश्रण, और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण, पहला मिश्रण हो गया समांगी, दूसरा हो गया विषमांगी। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, अगर इसके नाम पे थोड़ा गौर किया जाए, तो देखो सम प्लस अंगी, सम को अगर हम बात करें तो समान, और अंग की बात करें तो तत्व या भाग, तत्व या भाग, समांगी। जबकि वैज्ञानिक परिभाषा बिल्कुल बिल्कुल इसकी अलग है, और वैज्ञानिक परिभाषा ये बोलती है कि, सॉरी, पहले इसकी वैज्ञानिक परिभाषा देख लेते हैं। और वैज्ञानिक परिभाषा इसकी ये बोलती है कि वे पदार्थ या वे मिश्रण जिन्हें हम अलग अलग नहीं देख सकते, अलग अलग नहीं देख सकते, वो क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण। जैसे अगर इसके उदाहरण की बात की जाए, तो उदाहरण के अंदर पहला नाम आ जाएगा जल प्लस चीनी का मिश्रण। अब ये लो, अब जल के साथ नमक का भी ले लो, जल प्लस नमक, जल के साथ नमक का भी ले सकते हैं। वैसे जल और नमक दोनों जब आपस में घुल जाएंगे, तो हम लोग इसको पृथक नहीं कर सकते, अलग रूप में पृथक इसको
नहीं कर सकते। यह किस प्रकार का मिश्रण हो गया? समांगी मिश्रण, ऐसा मिश्रण जिन्हें हम लोग अलग अलग नहीं देख सकते, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण। दूसरे मिश्रण की बात की जाए, विषमांगी मिश्रण, तो देखो विषम अंगी मतलब अलग अलग प्रकार के तत्व कितने भी शामिल हो जाते हैं, उसकी कोई फिक्स लिमिट नहीं हो सकती, ठीक है। तो अगर इसकी वैज्ञानिक परिभाषा की बात की जाए, तो वे मिश्रण जिन्हें हम अलग अलग या पृथक पृथक देख सकते हैं, पृथक पृथक देख सकते हैं, वे क्या कहलाते हैं? विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। और उदाहरण के रूप में अगर इनकी बात करें, तो तेल के साथ जल का मिश्रण, तेल और जल का मिश्रण, ये आ गया हमारे विषमांगी मिश्रण के अंदर। कोई परेशानी वाली बात नहीं। मिश्रण किसे कहते हैं? कि वे पदार्थ या दो से अधिक यौगिकों से मिलकर बने हुए तत्व, बने हुए पदार्थों को हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्रण बोलते हैं। अगर दूसरी परिभाषा बोली जाए, तो यौगिक तथा तत्वों के साथ मिलकर बने पदार्थ मिश्रण कहलाते हैं। और मिश्रण हमेशा दो प्रकार के होते हैं, साफ और सीधी बात। वैसे तो हम लोग छोटी क्लासों के अंदर ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो पहला है इसमें समांगी और दूसरा है विषमांगी। समांगी का मतलब हो गया जिन्हें हम लोग अलग अलग नहीं देख सकते, और विषमांगी का हो गया कि जिन्हें हम लोग अलग अलग देख सकते हैं, जैसे तेल और जल का मिश्रण। तेल के अंदर जब भी हम जल डालेंगे, तो दोनों को हम लोग, दोनों में एक अलग अलग परत का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। जब दोनों को देखेंगे, तो दोनों परतें हमें अलग अलग रूप से दिखाई देंगी, ठीक है। तो चलो, ये हो गया अपना मिश्रण, समांगी और विषमांगी। इसी के साथ एक छोटी सी बात और कर लेते हैं, और वो है विलयन के बारे में, कि भाई विलयन किसे बोल सकते हैं हम लोग? विलयन क्या है? क्या विलयन किसे बोलते हैं? विलयन, लेकिन अभी तक हम लोगों ने केवल वो तरल पदार्थों को ही विलयन बोला है। लेकिन जैसे जैसे स्टैंडर्ड अपना बड़ा हो रहा है, वैसे वैसे हमें ये जानने को मिलेगा कि विलयन के अंदर भी दो अलग अलग पदार्थ होते हैं। विलयन के अंदर दो अलग अलग पदार्थ होते हैं। पहली चीज, पहला पदार्थ बोल दिया जाए तो वो हो गया विलायक, और दूसरा हो गया विलेय। अब भाई, तो विलयन की छोटी सी सरल शब्दों के अंदर परिभाषा देखी जाए, तो विलायक तथा विलेय को हम लोग क्या बोलते हैं? विलयन। ऐसा मिश्रण जिसके अंदर विलायक भी हो और विलेय भी हो, उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? विलयन बोल सकते हैं। तो अब सवाल उठता है कि भाई ये विलायक क्या होता है, विलायक किसे कहते हैं? तो देखो भाई, साफ और सीधे शब्दों की बात, विलायक देखो, जब भी किसी पदार्थ के अंदर किसी पदार्थ को घोला जाता है, तो इसको एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। पहले देखो, जल के साथ नमक का मिश्रण लिया, जल के साथ नमक का मिश्रण, अब ये एक प्रकार का विलयन है, क्योंकि पूरा इसके अंदर घुल चुका है। तो देखो, विलयन है तो इसमें विलायक कौन है? विलायक का मतलब है घोलने वाला। किसने घोला नमक को? किसने घोला? जल ने। मतलब वह पदार्थ जो विलयन में, वह पदार्थ जो विलयन में 70% तक हो, कितने प्रतिशत? 70% तक हो, उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? विलायक। क्या बोल सकते हैं? विलायक। वे पदार्थ जो विलयन में 70% तक हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विलायक बोलते हैं। जैसे उदाहरण में लें, जल और नमक के विलयन में विलायक कौन है? जल, क्योंकि जल की मात्रा 70 से 80% तक होगी, ठीक है, जबकि नमक की मात्रा कम होगी। तो अब जो पीछे बच गया नमक, वो क्या हो गया? विलेय हो गया, ठीक है। विलायक कौन हो गया? जो पदार्थ के अंदर सर्वाधिक मात्रा में होता है वो हो गया विलायक, या जिसने घोला हो, ठीक है, वो क्या हो गए? विलायक। और जो पदार्थ घुला हो, जल और नमक के विलयन में घुला कौन है? नमक घुला है, तो नमक क्या हो गया? विलेय हो गया, ठीक है। ये था विलेय और विलयन के बारे में। इसमें हमारी किताब के अंदर कुछ उदाहरण भी दे रखे हैं। जैसे कुछ उदाहरणों की बात की जाए, तो इसने बोला शिकंजी का जो विलयन है, उसके अंदर विलेय कौन है और विलायक कौन है? तो देखो, CO2 गैस उसके अंदर विलेय होती है, और जल हमेशा विलायक का ही कार्य करता है, ठीक है। इसके दो तीन उदाहरण और दे रखे हैं, वीडियो थोड़ा लंबा ना हो इसी के लिए इतना केवल अभी समाप्त करते हैं हम यहीं पर। इसके अगर इसके अलावा कोई चीज़ समझ में नहीं आए, तो नीचे कमेंट करके आप हमें पूछ सकते हैं।